चीन से आ रही फेफड़ा फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर भारत के 6 राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य कर्मियों को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। बच्चों पर इसका असर ज्यादा होने की आशंका है। इस रोग से निपटने के लिए भारत के 6 राज्यों में एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पीडियाट्रिक यूनिट्स में बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। चीन में इस रहस्यमय बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। भारत सरकार ने 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। हालांकि भारत में चीन की रहस्यमय बीमारी का एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार इस पर बारीकी से निगरानी कर रही है। हो सकने वाली इस रहस्यमय बीमारी के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने 6 अहम निर्देश जारी किए हैं, जिनमें है अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी न हो, जरूरी दवाएं एंटीबायोटिक्स का भरपूर स्टॉक रखा जाए, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर दुरुस्त करके रखा जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा भी की जाए। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने भी 15 नवंबर को चीन की इस रहस्यमय बीमारी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया था। प्रोमेड ने कोरोना के लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखता है। हालांकि प्लेटफॉर्म ने ये नहीं बताया कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है या युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया ये भी पता नहीं चल पाया है। 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में रहस्यमय बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। चीन ने बताया कि पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। एक नई आफत के लिए अब राष्ट्र को तैयार रहना होगा।